इस टाइम पर हमारे इंडिया में क्या चल रहा है? माई फर्स्ट व्लॉग कोई तो देख लो, भगवान आपके ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरा वीडियो वायरल करवा दो। और हाँ, ये सच है, अभी व्लॉगिंग चैनल का बहुत तगड़ा क्रेज़ है और व्लॉगिंग वीडियो को वायरल करवाना बहुत आसान है। इसका एक लॉजिक है मेरे पास, वो तो मैं बताऊंगा ही। एंड मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको कि जो व्लॉग चैनल है वो किस कैटेगरी में आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम ट्रैवलिंग व्लॉग डालते हैं, कुछ कहते हैं हम नॉर्मल फैमिली व्लॉग डालते हैं, कुछ कहते हैं हम एंटरटेनमेंट टाइप के मतलब चैलेंजिंग और कुछ एक्सपेरिमेंट करके व्लॉग डालते हैं। आखिर कौन सा? ट्रैवल करते हो, ट्रैवल एंड इवेंट, क्या ये लगाना चाहिए हमको? क्या हम नॉर्मल डालते हैं, पीपल एंड व्लॉग्स रखना चाहिए कैटेगरी? क्या हमको एंटरटेनमेंट रखना चाहिए? सब कुछ क्लियर करूंगा, समझाऊंगा बारीकी से एंड डिटेल से। उससे पहले हम बात करेंगे कि यार इंडिया के अंदर इतना क्रेज क्यों पड़ा। आप सब तो जानते हो सौरभ जोशी व्लॉग, उनके चैनल पर अभी 10 मिलियन ज़्यादा ही हो गए भाई, 13-14 मिलियन, मैं रेगुलर नहीं देखता, तो इतने सब्सक्राइबर हैं। तो उनकी वीडियोस पर 24 हावर्स के अंदर अंदर 6 मिलियन 5 मिलियन 4 मिलियन इतने व्यूज आ जाते हैं। तो इंडिया के अंदर आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हो 60 70 80 लाख लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे के अंदर व्लॉगिंग देखते हैं। और मतलब आपको पता है हर ऑडियंस एक चैनल को नहीं देखती है, एक पर्सन है वो कम से कम 20 से 30 चैनल तो इजीली रोज़ देखता ही देखता है। तो ये कॉमन ऑडियंस है जो माय फर्स्ट व्लॉग को देख रही है ना। आप सोच रहे हो कि यार इतनी ऑडियंस कहाँ से आ रही है जो हर कोई बंदा वीडियो डाल रहा है, वीडियो वायरल जा रही है। तो एक ही ऑडियंस है जो बार बार अलग अलग कॉमन ऑडियंस होकर अलग अलग चैनल को देख रही है। अब बात करते हैं कि क्या ये क्रेज आगे तक रहेगा? तो हाँ बिल्कुल रहेगा यार। आज 50-60 लाख लोग हैं जो व्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आगे आने वाले टाइम पे 1 करोड़ भी होंगे, 2 करोड़ भी होंगे, 5 करोड़ भी होंगे, तो 10-20 करोड़ भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारी ऑडियंस के ऊपर। तो ये क्रेज और ये जो आग लेकर आए थे वो थे सौरभ जोशी। और अब जो आग लगाने में और छोटे छोटे क्रिएटर्स लग रहे हैं वो भाई भयंकर तरीके से वीडियो बना रहे हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार वायरल कैसे जा सकता है माई फर्स्ट ब्लॉग, क्या हम यूनिक एंड कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ डिपेंड करती है कि आप एक सिंपल लाइफ जी रहे हो, ठीक है, और आप उसे बेहतरीन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एक नया चैनल बनाना है जो आप सब यूट्यूब से सीख सकते हो, जो भी लोगो, बैनर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन टैग, वो सब मैंने सिखा रखा है, आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो। बाकी स्टार्ट करो आप बिल्कुल रियल लाइफ से, बिल्कुल जीरो से, मतलब लोगों को रियलिटी दिखाओ, लोग रियलिटी देखने में ज़्यादा विश्वास करते हैं और आपका वीडियो वायरल चला जाएगा। बस माई फर्स्ट ब्लॉग बेस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं कौन सी कैटेगरी में आपका व्लॉग चैनल होना चाहिए। सबसे पहले पीपल एंड ब्लॉग्स एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है जो ऑलरेडी यूट्यूब में सेट होके आती है, कोई भी चैनल बनाओ यही कैटेगरी आएगी। तो अगर आप अपने घरेलू आसपास के व्लॉगिंग वीडियोस बनाते हैं, कहीं जाते हैं, घूमते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप पीपल एंड ब्लॉग रखो, अगर सादा सिंपल आपके व्लॉग हैं, ठीक है। अब आप ट्रेवल करते हैं, कुछ इवेंट में जाते हैं, अलग अलग आपके स्पीच होते हैं, मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग व्लॉग बनाते हो, तो ट्रेवल एंड इवेंट भी होता है एक कैटेगरी जिसे आप चूज कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि एंटरटेनमेंट, बहुत सारे लोग कंफ्यूज सबसे ज़्यादा हो रहे हैं कि पीपल एंड ब्लॉग्स या एंटरटेनमेंट। देखो ये दोनों कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेवल को आप छोड़ ही दीजिए। पीपल एंड ब्लॉग्स में आप हर एक चैनल को रख सकते हो और इसमें आपको ऑडियंस ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी होती है। कोई भी बंदा अगर वीडियो देखता है तो उसकी भी कैटेगरी पीपल एंड ब्लॉग्स होती है। तो उम्मीद है कि अगर आप पीपल एंड ब्लॉग्स कैटेगरी रखते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास आपकी वीडियो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन जाएंगे और आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड अगर आप अपनी वीडियो को एंटरटेनमेंट में रखते हो तो इसमें आपका सीमित क्राइटेरिया हो जाता है, जिस कैटेगरी में आप रखोगे उसमें सीमित क्राइटेरिया हो जाएगा। तो मैं आपको राय दूंगा कि आप पीपल एंड ब्लॉग्स में रखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और जो ट्रैवलिंग करते हैं और अलग अलग टाइप की वीडियोज़ बनाते हैं वो भी पीपल एंड ब्लॉग्स में रखें क्योंकि इसमें आपको ऑडियंस ज़्यादा मिलेगी। जैसे मैंने एक आज एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया और उससे मैं वीडियोज़ देखता हूँ, तो मेरी जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी है वो क्या है? पीपल एंड ब्लॉग्स। तो मेरे पास में उस टाइप की जो वीडियोज़ हैं उस कैटेगरी की वो ज़्यादा सजेस्ट करेगा यूट्यूब। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी माई फर्स्ट ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, बस थंबनेल पर फोकस करें। मैंने बताया था कि कैसे आपको ये थंबनेल बनाने हैं, कैसे वायरल जा सकता है आपका माई फर्स्ट ब्लॉग, तो मैं उस वीडियो
वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक करो और ब्लॉगिंग के बारे में फुल डिटेल आप ले सकते हो।